अल्बोड़ा के द्वारहाट में प्रसिद्ध ऐतिहासिक सियालदेह बिखौती मेले की धूम देखने को मिल रही है। वहीं मेले में बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंच रहे हैं। भट पूजा में नौजिला दल के 11 जोड़ी नगरे निशानों ने ढोल दमाऊ मसकबीन रनसिंह के साथ सरंकार खेलते हुए रणबांकुरे में पहुंचे और उन्होंने ओड़ा भेटा। मुख्य मेले के दिन आल और गरख दल के लोगों ने नगरों निशान के साथ ओड़ा भेटने की परंपरा को आगे बढ़ाया। मीना बाजार बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से शीतला पुष्कर मैदान और बद्रीनाथ मार्ग पर लगाई गई है। वहीं शीतला पुष्कर मैदान में काफी संख्या में महिला और पुरुषों ने झोड़ा गायन किया। उधर पौड़ी में पहली बार एकेश्वर महादेव इगासर कौथिक मेले का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के प्रवासियों के साथ ही ग्रामीण लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मेला समिति के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह नेगी ने कहा है कि मेले का मकसद पहाड़ की संस्कृति को संरक्षित करना है। तो इगासर कौथिक मेले का आयोजन हो रहा है पौड़ी में और यहाँ पर देश भर से प्रवासी पहुंचे हुए हैं, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। वही ग्रामीणों ने भी बढ़ चढ़कर इस आयोजन में हिस्सा लिया और मेले में पहाड़ी संस्कृति की झलक साफ तौर पर देखी जा सकती है। तो आने वाले प्रवासियों में भी भारी उत्साह देखा गया। मेला विगत 25 वर्षों से नहीं हो रहा था और कहीं ना कहीं जब हम छोटे थे तो इस मेले में आया करते थे और हमें एक कमी चलती थी कि उसके बाद 25 सालों से विगत 25 सालों से मेला बिल्कुल विलुप्त सा हो गया था और कहीं ना कहीं जो स्थानीय बेरोजगार होते थे वो कहीं दुकान लगा के आइसक्रीम दुकान लगा के चाय की दुकान लगा के जलेबी की दुकान लगा के यहाँ पे उनका भी जीविका चलती थी और वो बंद हो चुकी थी। तो हमने इसी प्रयास में एक मुहिम चलाई कि इगासर कौथिक को पुनर्जीवित करना है। तो उस आज आप देख रहे हैं उसी मुहिम में आज इगासर कौथिक का ये भव्य कार्यक्रम आप लोगों के सम्मुख है। हमको जिस तरह से अपना सहयोग दिया इस मेले को सफल बनाने के लिए, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हमने एक मुहिम चलाई कि जो एकेश्वर महादेव का मेला वर्षों से होता था लेकिन ये विलुप्ति की कगार पे था और हमने इसलिए इस मेले को कि हमारी जो महिलाएं हैं स्थानीय महिलाएं उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिल सके। उन्होंने कल इतनी अच्छी अच्छी प्रस्तुतियां यहाँ पे दी, उन्होंने अपनी लोक संस्कृति को बचाने का काम किया। मसूरी में देर रात लंढौर बाजार साउथ रोड राजमंडी के पास अचानक झाड़ियों में भीषण आग लग गई, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। लोगों ने आग बुझाने की बहुत कोशिश की। वहीं सूचना पाकर मसूरी फायर सर्विस और पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं राजमंडी बस्ती में लगी आग पर काबू पाया गया। वहां के लोगों ने बताया है कि देर रात को अचानक से झाड़ियों में आग लग गई थी जो बस्ती की ओर फैलने लगी और इसके बाद उन्होंने शोर शराबा करके बस्ती वालों को जगाया। बताना चाहेंगे कि घटना में किसी प्रकार की जानमाल का फिलहाल कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, ये गनीमत की बात है। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। वहीं मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवालय के अधिकारियों को मतदान करने की शपथ दिलाई। वहीं मीडिया से रूबरू राधा रतूड़ी ने मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहने की भी बात कही। तो उत्तराखंड लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है और मुख्य सचिव ने अफसरों को इसके मद्देनजर शपथ भी दिलाई और सभी अफसरों ने मतदान करने की शपथ ग्रहण की। मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखंड ने जो उनका स्वीप कार्यक्रम है मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत आज सभी सचिवालय कार्मिकों को मतदान की शपथ दिलाई गई है। 19 अप्रैल को प्रथम चरण में जो देश में पूरे देश में चुनाव हो रहा है प्रथम चरण में उत्तराखंड में 19 अप्रैल को पोलिंग होगी और हमें उम्मीद है कि सभी सचिवालय कार्मिक और सभी वोटर आप सब भी, आप लोगों को बहुत मुश्किल होती है वोट डालने में लेकिन प्रयास करेंगे कि आप सबका भी वोट पड़े और हम सब लोग अपना वोट डालें क्योंकि ये हमारा कर्तव्य भी है और अधिकार भी है। गदरपुर विधायक अरविंद पांडे उधम सिंह नगर के दिनेशपुर पहुंचे, जहां उन्होंने वार्ड नंबर 4 में नुक्कड़ सभा में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने जनता से बीजेपी को वोट देने की अपील भी की है और अरविंद पांडे ने मोदी सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई।
वहीं लोकसभा चुनाव में बीजेपी की बंपर जीत की उनके द्वारा उम्मीद जताई गई है। जब तक चुनाव नहीं होता है, जब ऐसे प्रत्याशी लोग मैदान में आते हैं तो सभी अपने आप को जीता हुआ मानते हैं और मानना भी चाहिए, यही तो लोकतंत्र है। लेकिन ये चुनाव जो है, ये आम जनता ने चुनाव को अपना चुनाव बना लिया है। और ये मोदी के चुनाव है ना, मोदी जी का चुनाव, बीजेपी के चुनाव, ये मोदी जी का और बीजेपी के चुनाव नहीं है। देश की जनता ने इसको अपना चुनाव मान लिया है और मोदी जी को इसे देश का प्रधानमंत्री तीसरी बार बनाने का संकल्प भी ले लिया है। पीएम मोदी ने बीते शनिवार को देश के टॉप गेमर्स से बातचीत की थी। वहीं पीएम ने उनके कई सवालों का मजेदार अंदाज में जवाब दिया। टॉप गेमर्स में उत्तराखंड के हल्द्वानी के अंशु बिस्ट भी शामिल रहे और उन्होंने अपना अनुभव भी साझा किया है। देखिए खास रिपोर्ट। देश में गेमिंग इंडस्ट्री से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 7 गेमर्स से मुलाकात की थी। इन 7 हस्तियों में उत्तराखंड के हल्द्वानी के अंशु बिस्ट भी शामिल थे। सोशल मीडिया हैंडल पर 1 करोड़ से अधिक फॉलोअर्स वाले बिस्ट कहते हैं कि वे प्रधानमंत्री से मिलने के लिए बहुत क्रेजी थे। यकीन नहीं हुआ था, हम लोग सही में हम सारे मिले, हमारा सबका ऐसी था कि किसी को यकीन नहीं हो रहा है कि ऐसा कुछ होगा। हम लोग वहाँ पे बैठे हुए थे, जब तक सर खुद नहीं आए ना वहाँ पे हमें तब तक यकीन नहीं हो रहा था। हम लोग पीएम रेजिडेंस के अंदर बैठे हैं, वो दरवाजा ऐसा खुलता है और फिर सर दिखते हैं एकदम से, और फिर दिल की धड़कन एकदम बढ़ना शुरू, क्योंकि अभी तक का यकीन नहीं हो रहा था कि हाँ आएंगे सर सब कुछ। अंशु बिस्ट कहते हैं कि देश के टॉप गेमर्स के साथ आधे घंटे की बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने देश में ई गेमिंग इंडस्ट्री के सामने आने वाली चुनौतियों पर भी चर्चा की। हम लोगों ने वहाँ सारी गेमिंग रिलेटेड बातें करी, बहुत सारी आपने जैसे देखा होगा अगर वीडियो में, तो वहाँ पर बहुत सारी ऐसी भी बातें हुई थी कि जैसे गेमिंग को गैम्बलिंग के साथ बहुत ज़्यादा जोड़ा जाता है, ऐसे गेम्स के साथ नाम जोड़ा जाता है जो एक्चुअल में गेमर्स ऐसा करते नहीं है। अंशु बिस्ट YouTube पर एक गेमिंग चैनल चलाते हैं, यहाँ वे माइनक्राफ्ट जैसे गेम के वीडियो बनाते हैं। बिस्ट का कहना है कि ई गेमिंग की दुनिया में खुद को स्थापित करने में उन्हें 5 साल लग गए। ट्यूशंस पढ़ाए, जॉब्स करी, अपना एक पीसी बिल्ड करा, पहला कंप्यूटर बनाया, फिर उस पर रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट करा। 5 साल लगे मेरे को 2017 से 2021 के एंड तक का, जहां से मैंने फिर थोड़ा बहुत कमाना स्टार्ट करा, इससे एक नाम बनना शुरू हुआ। प्रधानमंत्री से मिलने वाले वीडियो गेमर्स में अंशु बिस्ट के अलावा तीर्थ मेहता, पायल धारे, अनिमेश अग्रवाल, नमन माथुर, मिथिलेश पाटनकर और गणेश गंगाधर भी थे। उधर आगामी लोकसभा चुनाव में प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और बागेश्वर में लोगों की शिकायत के लिए बनाया गया है सी विजिल ऐप। तो इस ऐप में अब तक 186 शिकायतें दर्ज की गई हैं, जिसमें धनराशि वितरण, शराब वितरण, बिना अनुमति पोस्टर, बिना अनुमति के बैठक करना और बिना अनुमति के प्रचार में गाड़ी लगाना, धार्मिक और उन्मादी भाषणबाजी करने संबंधी शिकायतें दर्ज हुई हैं। तो ऐप में अब तक 186 शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं और कैश, अवैध शराब समेत तमाम शिकायतों को दर्ज किया गया है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद और इसी कड़ी में शिकायत के लिए सी विजिल ऐप भी बनाया गया है और अभी तक इस ऐप में लगभग 186 शिकायतें दर्ज करवाई जा चुकी हैं, जिसमें कैश, अवैध शराब समेत कई शिकायतें दर्ज की गई हैं और कैश, अवैध शराब समेत तमाम शिकायतों को सी विजिल ऐप पर दर्ज किया गया है। यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।